जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसकी जो राख होगी वही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है या फिर एक अम्लीय पदार्थ है। दोस्तों आपने जो मैग्नीशियम का दहन है वो तो पहले देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप यहाँ पर इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मैग्नीशियम का दहन कर लेते हैं सीधे। और वो जो अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है मैग्नीशियम के दहन के ऊपर, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि जो मैग्नीशियम होता है उसको किस तरह से हमें साफ़ करना है, कैसे उसको जलाना है, ये सारी चीज़ें। तो आज सीधे ही हम जो मैग्नीशियम धातु है उसको जला लेते हैं ताकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो सके। देखिए मैंने सबसे पहले ये जो बर्नर है उसे जला लिया है और इसके बाद ये जो मैग्नीशियम धातु का रिबन है इसको मैं ये इस चिमटी से ऐसे पकड़ लूँगा ताकि मुझे जलने का खतरा नहीं रहे। और अब सिंपली ये जो धातु है इसको जला लेते हैं। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसकी जो राख होगी वही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो मैग्नीशियम धातु है उसकी राख को देखिए यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से आगे ये नहीं जलेगा क्योंकि हमने साफ तो नहीं किया था लेकिन फिर भी जल रहा है, तो ये जल जाने देते हैं तो ये जल के ही रहेगा। देखो ये जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसे हमें सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए ये जो मैग्नीशियम धातु की राख है वो हमने यहाँ पे ये इकट्ठा कर ली है और यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है उसको मैं इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेता हूँ और इसी में थोड़ा सा पानी लेकर के हम इसका घोल बना लेंगे, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका विलयन तैयार कर लेंगे। तो देखो ये इस टेस्ट ट्यूब में इसमें मैं थोड़ा सा ये पानी मिला लेता हूँ और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है उसको इस कांच की छड़ के द्वारा इसमें घोल लेता हूँ। देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका ये दूधिया विलयन बनके यहाँ तैयार हो गया है। अब मैं सिंपली एक पीएच मापी यहाँ से ले लेता हूँ, जो पीएच इंडिकेटर होता है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो विलयन है वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है। देखिए ये जो हमारा पीएच स्केल है वहाँ पे अगर अपन ध्यान दें तो ये जो लीफ है ये 9 के आसपास इसका मान हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक क्षारीय विलयन है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करने में दिक्कत है तो इसकी जो जांच है उसकी हम लाल लिटमस से कर लेते हैं। देखो जब पीएच मापी से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन है वो एक क्षारीय पदार्थ है, लेकिन इसको और अच्छी तरह से जान लेने के लिए हम यहाँ पे एक लाल लिटमस पत्र से इसकी और जांच कर लेते हैं। अगर ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये एक क्षारीय विलयन है, अन्यथा नहीं। देखिए मैं ये जो विलयन है इसमें अपना जो लिटमस पत्र है उसको डुबो देता हूँ। अब इसको निकाल के देख लेते हैं।
देखिए मेरी जो टी शर्ट का कलर था उसकी वजह से जो लिटमस पत्र था लाल वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पा रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो गया है, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।